बसमिरा जी तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं सब खरीद से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों की खिदमत में बिल्कुल फ्रेश पीस हंडाई शाहजोर लोडर गाड़ी लेकर हाज़र हुआ हूँ बड़े हिस्से में यहाँ दोस्तों छः नटी ट्यूब डलवाई गई है और इस गाड़ी का फ्रेम नंबर चेक करें दोस्तों दिल खुश हो गया और इस गाड़ी के पावर विंडो गाड़ी का डैशबोर्ड देखें बिल्कुल लश कंडीशन में है तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कितनी प्राइस में मिलेगी गाड़ी लेने के लिए नंबर गाड़ी की लोकेशन इसके लिए वीडियो को मकम्मल जरूर देखते रहिएगा तफसी शुरू करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर न्यू है और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली दी की घंटी को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक लाजमी करें क्योंकि मैं ऐसे ही लोडर गाड़ियों की वीडियोस इस चैनल पर लगाता ही रहता हूं। वेलकम बैक टू हंडाई स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपका मेजबान जुल्फकारा चलते हैं अपने स्टॉप की तरफ दोस्तों ये हंडाई शाहजोर लोडर गाड़ी 2006 मॉडल है साहिवाल का नंबर लगा हुआ है गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं माशाला बिल्कुल फ्रेश पीस है और इस गाड़ी में टचिंग वगैरह तो है लेकिन ओवरऑल गाड़ी का काम हुआ है बिल्कुल गाड़ी ओके की आवाज़ वाले इंजन गेयर हिस्सा बिल्कुल ठीक है बड़ी ट्यूब डलवाई गई है गाड़ी की छत देख सकते हैं और औरिजिनल भी है टचिंग भी है लेकिन जो भी है गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी है हर लिहाज से गाड़ी फ्रेश है और इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ए टू जेड बिल्कुल क्लियर है माशाला काफ़ी दोस्तों ने हमारी सपोर्ट की और चैनल को सब्सक्राइब किया जिन दोस्तों ने नहीं किया उनसे गुजारिश करता हूं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आप हुडाई शाहजोर और लोडर गाड़ियों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कोशिश किया करें मेहरबानी किया करें कि वीडियो को मकम्मल देख लिया करें वीडियो को स्किप ना किया करें दोस्तों ये गाड़ी यहाँ पर जो हल्की फुल्की हल्की सी जो डेंटिंग है वो मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ कोशिश करूंगा जो भी गाड़ी के अंदर कमी पेशी मैं महसूस करूँ या देखूँ वो आपको मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करवा दूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं दूर से मेरा कोई सब्सक्राइबर दोस्त भाई आए गाड़ी लेने के लिए लेकर मौके पर आके वो इतराज़ करे कि यार आपने वीडियो में कुछ और बताया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तरीकाकार है मैं कोशिश यही करता हूँ जो भी गाड़ी की कंडीशन होती है वो मैं तसली के साथ वीडियो के अंदर ही दिखा देता हूँ किसी किस्म का कोई डाउट ना बचे थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो जाती है उसके लिए माजरत लेकिन गाड़ी की तसली करवाना मैं अपना जो काम समझता हूँ मैं उसी तरीके से अपनी वीडियो का जो मेरी रूटीन है गाड़ी की तसली इनशाला मैं वीडियो में ही करवा देता हूँ अगर आपका माइंड बन जाए गाड़ी पसंद आए तो सफ़र करें अगर वीडियो के अंदर आपको गाड़ी ही पसंद ना आए तो मौके पर आ आने का कोई फ़ायदा नहीं मेरा भाई पावर विंडो है दोस्तों इस गाड़ी के और आ, मैं आपको कोशिश करता हूँ इस गाड़ी की सीलें दिखाने की माशाल्लाह बिल्कुल ओके की आवाज़ है सीलें गाड़ी की चेक कर सकते हैं औरिजिनल सीलों में दोस्तों ये गाड़ी है और आ, ये ड्राइवर साइड आपको दरवाज़ा दिखा रहा हूँ ड्राइवर साइड का दरवाज़ा पावर विंडो है डैशबोर्ड है माशाल्लाह गाड़ी का बिल्कुल ओके क्लियर है साफ सुथरी कंडीशन में है गाड़ी का मीटर चेक करें गाड़ी का मीटर तब्दील करवाया गया है क्योंकि इस गाड़ी का जो ओरिजिनल मीटर है ये वो वाला नहीं है ये बैक साइड गाड़ी की शावर है दोस्तों बैक साइड भी शावर है अंदर से कैबन से करवाई गई और यहाँ पर भी गाड़ी चेक करें यहां से बिल्कुल गाड़ी ठीक है और ये कुपा चेक करें फ्रंट साइड वाला जो डैशबोर्ड के नीचे होता है बिल्कुल ओरिजिनल है दोस्तों किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट वगैरह बिल्कुल नहीं है और इस गाड़ी की जो बड़ी ट्यूब डलवाई गई है हाँ और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायरों की जो पीछे वाली जोड़ी है टायरों की दोस्तों उसकी जो कंडीशन है वो नब्बे पचानवे नब्बे परसेंट है और जो आगे वाले फ्रंट टायर हैं उनकी जो कंडीशन है वो तकरीबन फिफ्टी परसेंट है मजीद आप गाड़ी की तसली करें इन ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर पसंद आएगी और एक बात और मैं क्लियर करता चलू मेरा भाई कि मैं मेरा जाती कोई शोरूम वगैरह नहीं है मैं मुख्तलिफ जगह से गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ आप भाइयों की खिदमत में गाड़ी ढूंढ कर पेश करता हूँ तो कुछ दोस्तों की जो डिमांड होती है वो मार्केट के बराबर ही होती है और कुछ दोस्तों की जो डिमांड होती है वो मार्केट से थोड़ी सी ऊपर होती है बहरहाल डिमांड अपनी जगह पर डिमांड तो गाड़ी के ऑनर ने करनी है कुछ बराबर कर लेते हैं और कुछ ज्यादा कर लेते हैं बहरहाल गाड़ी पसंद आने की सूरत में गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से ही गाड़ी की प्राइस तय की जाती है पावर विंडो है दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है इसके बाद में आपको इस गाड़ी की भी सीलें चेक करवा देता हूं बिल्कुल फ्रेश है गाड़ी दोस्तों यहां से अक्सर यहां पर जंग वगैरह लगा होता है और ये सीलें नहीं होती क्योंकि गाड़ी की जो काम करवाया होता है जाहार ओरिजिनल चीज नहीं होगी तो वो सीलों सीलें नहीं होगी जो चीज ओरिजिनल होगी उसके साथ सीलें भी लगी होंगी नीचे से माशाल्लाह यहां से भी है गाड़ी बिल्कुल क्लियर रंग वगैरह करवाया गया है नीचे फर्श में और ये फ्रंट चेक करें गाड़ी का डैशबोर्ड के नीचे वाली साइड फ्रंट साइड में आपको दिखाई है मैंने बिल्कुल क्लियर की आ, आ, आवाज है इस गाड़ी की एक्सीडेंट के लिहाज से और आ, गाड़ी की ये कैबन की बैक लुक चेक करें यहां से इन्होंने शावर करवाई गई है क्यों करवाई मुझे नहीं अंदाजा लेकिन एक्सीडेंट की गाड़ी की गारंटी है एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में और इस गाड़ी का इंजन गेयर हिस्सा बिल्कुल ठीक है बिस्कुट प्लेट आपने देख ली बिल्कुल क्लियर है और फ्रेम नंबर भी इस गाड़ी का बहुत ही साफ सुथरी कंडीशन में है ऐसा नहीं कि मदम हो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ शफाफ नज़र आ रहा है जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में ही देख लिया होगा मजीद मैं आपको दोबारा चेक करवा दूँगा पहले आप गाड़ी के कैबन की तसली कर लें हमारी जो लोकेशन है तहसीलार वाला जिला पाक पतन यहाँ पर आपको पेंचर लगवाना पड़ेगा दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर और जो कमी पेशी होगी गाड़ी के अंदर इनशाला मैंने आपको पहले बता दिया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर डैशबोर्ड को पंचर लगे हुए हैं एक दो बिल्कुल मज़ीद आप, आपने गाड़ी का डैशबोर्ड तो देख लिया आप चलते हैं गाड़ी की नीचे वाली साइड चेक कर सकते हैं दोस्तों इंजन गेयर हिस्सा इस गाड़ी का बिल्कुल क्लियर है और टायरों की कंडीशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दी बड़ी ट्यूब लगी हुई है जंगला वगैरह न्यू और फर्श भी लगा हुआ है गाड़ी के अंदर वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ यहाँ से गाड़ी चेक कर लें इसके बाद मैं आपको अब आप गाड़ी की बैक लुक चेक करवा देता हूँ टोकन पासिंग रूट हर चीज़ क्लियर है इस गाड़ी की और सेफ़ गार्ड वगैरह भी लगा हुआ है लोकेशन हमारी तहसील आरफ वाला जिला पाक पतन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उतनी देर तक रहेगा जब तक ये गाड़ी सेल नहीं हो जाती और अगर बात की जाए इस गाड़ी की डिमांड के हवाले से दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड मुझे बताई गई है चौबीस लाख पचास हजार रुपये इस गाड़ी की डिमांड मुझे बताई गई है ये गाड़ी कितने में होनी चाहिए वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है 2006 मॉडल है गाड़ी मान लिया बिल्कुल अच्छी है डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं बायोमेट्रिक इस गाड़ी की आपको क्लियर मिलेगी मजीद ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सरनसर के ऊपर जो सनासर के ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है ढोलकी के ऊपर दो मॉडल है ओरिजिनल और बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में इस गाड़ी का फ्रेम नंबर है जैसा कि आपको नजर आ रहा है जी तो नाजरीन आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन आपको इस चैनल पर लोडर गाड़ियों की वीडियो मिलती ही रहेंगी उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपने मकमल देख ली होगी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो राबता नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उतनी देर तक राबता नंबर मौजूद रहेगा जब तक ये गाड़ी सेल नहीं हो जाती मिलती है नेक्स्ट वीडियो में असलाक